1 लाख रुपए इनाम दूंगा पक्का। पूरे 31 घंटे ऑमलेट है और आधे घंटे खाते हो पूरे 1 लाख रुपए इनाम है। आज भैया बनाया जा रहा हूँ एशिया का नंबर 1 ऑमलेट, धमाका ऑमलेट, 1 लाख रुपए इनाम है। इसमें 1 लाख रुपए गड्डी बननी रहती है, 5 वाली 2 गड्डी पड़ी रहती है, 10-20 हजार तो जेब में पड़े रहते हैं। चाहे चेक लो चाहे कैश लो, चैलेंज पूरा करना पड़ेगा बस 30 मिनट के अंदर अंदर। ये देखो ये तो 30 हो गए प्लस 1 घंटा 31 घंटे का ऑमलेट बनेगा। आज अकेला खाया नहीं जा सकता, मैं तोड़ने वाला हूँ भाई। हजारों लोगों ने कोशिश करी है, मैं खाया किसी ने अभी तक। अभी तो भाई साहब 4 फड़े 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 और ये आ गया ये आखिरी 31। ये आ गया नमक स्वाद अनुसार। मैडम ऐसा है बनाने दुनिया बनाती है, मेरा स्वाद आना चाहिए। हमारे बॉस कमेंट लोग कहते हैं यार क्या क्या डाल दिया, ये डाल दिया। एक बार आओ खा के देखो फिर उसको बताओ क्या डाला, क्या खराब, क्या बढ़िया। कहने की बात ही नहीं, खा के बताओ कैसा खराब है बढ़िया है। अगर आपको तो लेग पीस नजर नहीं आया तो मेरा नाम नहीं राजीव। तो डाल दिया मैंने मक्खन, अमूल्य होता सब कुछ। पूरी ऑमलेट में 4 टिक्की जाएंगे, 31 घंटे का ऑमलेट है और मक्खन नहीं आएगा तो स्वाद भी नहीं आएगा। ये प्याज डाल दिया, ये टमाटर आ गए, ये अदरक आ गई, ये तीखी मिर्च, हरी मिर्च आ गई, हाफ डालेंगे इसमें, आधा पड़ेगा उसके बाद, आधा बाद में सेट करूंगा मैं। देखते जाओ मैडम, टेक्निक है, छोटा फ्राई पैन है, इससे पहले बड़ा था मेरा फ्राई पैन टूट गया, अब छोटे में काम चला रहा हूँ। बना मैं 40 सेंटर का आपका ऑमलेट बनाता मैं, फ्राई पैन छोटा है मेरे पास। मैडम काफी दूर दूर से बंदे आते हैं, नजफगढ़ हो गया, हरियाणा के बंदे बहुत दूर दूर से आते हैं बंदे। ये आ गई ब्रेड है, हार्वेस्ट भी है और ये भी बहुत बढ़िया ब्रेड है। वैसे लगाता हूँ मैं 8 हूँ पर मैं 4 ही लगाऊंगा। धमाका ऑमलेट खाया नहीं जाएगा आपसे, तो मैं आपको देख के पर लगा रहा हूँ 4 ब्रेड। अच्छी बात, जीतो तो जीतो भाई, मैं चाहता हूँ वो जीतते। 1000 बंदे आज, अभी तो किसी ने चैलेंज पूरा किया नहीं है, आज देखते हैं क्या हो रहा है। पलटूंगा भाई, आप एक बार इधर आओ, इसे उठाओ, एक हाथ से उठाओ। एक हाथ से तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक हाथ से नहीं उठा सकती, मैं दोनों हाथों से उठा। अब आपको आइडिया लगाओ कैसे पलटते होंगे हम। अभी तो ये बना नहीं है, अभी ये हाफ है, इसको बनाने के लिए कम से कम 10 मिनट चाहिए। अभी तो और मक्खन पड़ेगा, जैसे कि हम ब्रेड निकालते ना हाफ, फिर उसके बाद फुल करते हैं। पहले हाफ निकाल लिया, अब उसे फुल करेंगे। जब वापिस जा रहा है अपने कमान में, कस्टमर बोलते हैं सब कहीं खा लिया मगर आप जैसा स्वाद कहीं नहीं है। अभी तो जांच वाला और पलटूंगा इसे, बिल्कुल नहीं कच्चा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये कच्चे गारंटी है। और कुछ नई नई आइटम लाने वाला हूँ, मेमोज मोज सब आएंगे इसके अंदर, यही तो खासियत है। बनाने की दुनिया बना देगी, पकाएगा कौन। ये आ गए मसाले, हाँ जी पक चुका हूँ, रिपोर्ट करती। ये आ गया नींबू, मैं तो कह रहा हूँ एक बार आओ, अगर मेरा दिल जीत नहीं जाओ तो मेरा नाम नहीं। और मैं आपको ऑमलेट खिलाता हूँ, कहोगे मैं दुनिया ऑमलेट ऐसी कहीं खाई नहीं है, बहुत स्वाद दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल मिलेगा, आप बोल के जाओगे। अभी लोग कहते हैं कच्चा रहता, क्या कच्चा है, इसकी थिकनेस देखो, देखो थिकनेस कहीं पे कच्चा है, कच्चा नहीं हो सकता बिल्कुल। ये देखो खूब देखो कहीं पे कच्चा दिख रहा है आपको, पूरी होकर रिपोर्ट मिलेगी आपको। ये सलाद पत्ते भाई, नहीं खाना बहुत अच्छी चीज, लीवर के लिए तो बहुत अच्छी चीज है भाई। ये मैडम 200 रुपए किलो आ रही है इस समय तो। ये देखो अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा, ये सिंपल है, अब सारे इसके अंदर आने वाले हैं स्वाद। ऐसा तो नहा धोया है अभी, कपड़े बड़े पहनेगा ये ऑमलेट, अभी पूरा सिंगार होगा इसका। अभी जो ऑमलेट है हमारे, पिज्जा, सीख कबाब, चीज ऑमलेट, ड्राई फ्रूट, चीज ड्राई फ्रूट, सीख कबाब ऑमलेट, ये सारे आइटम है बस। और ये देखो ये आ गई चीज, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, हमारा जो रेट बढ़ जाएगा बेच सकता हूँ, क्वालिटी हल्की नहीं चलेगी अपने पास तो। ये देखो चीज आ गई, बारिश ही मान लो आप, चीज की बारिश हो रही है। अरे यार यार खाओ तो पता चले, मैं तो कहूँ एक टिक्की डालूंगा बटर, आप खा के दिखाओ तो 2 पीस भी नहीं खा जाएंगी। हमारा बटर चीज जो है पिघल जाएगी सारी। घर में सब्जी बनती है 1 किलो, आलू की सब्जी बनती है ना, 50 ग्राम तेल चाहिए कम से कम, अब तो 20 ग्राम तेल डाल दो कैसे स्वाद आ जाएगा यार, सिंपल सी बात है। दिखावा नहीं कर, जो माल डालते हैं आपके सामने बनाता हूँ। ये देखो मेड होगी ना चीज, एक कबाब हो गए, 3 कबाब आते, चिकन सीख कबाब हमने, दुनिया तंदूरी फ्राई करती है, मैं सारे फ्राई फ्रेंड भी करता हूँ। ये सीख कबाब है मेरे, मैडम ये बिल्कुल लाल हो जाएंगे, ज्यादा प्याज नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे, आप खा नहीं पाओगे। ये आ गए मसाले, ये स्वाद अनुसार नमक, ये आ गया हमारा नींबू, ये हो गया धनिया, हाँ बिल्कुल। अब कबाब को स्वाद चढ़ाने दो। ये देखो ये हमारी क्रीम है, ये पनीर आ गया, ये पनीर आ गया, तो मतलब चीज के बाद अब इसमें, और ये धनिया फिर से आ गया, ये हमारी तंदूरी है, ये आ गए तो कोहिनूर के दाने, चुकंदर लच्छा है, ऐसे ही बनता है मैडम, ऐसे ही बनता है, ऐसे बने कोई भी आए, तो ये डिश फोटो खींच के ले आओ, ऐसे ही बनाऊंगा, 19-20 भी नहीं होगा डिश में, आप वजन उठा के देखो। तो भाई साहब ये उठाया नहीं जा रहा है, इतना ज्यादा भारी है ये। राजीव जी बताओ मतलब क्या मिलेगा इसको खा के, अगर आप आधे घंटे खत्म करते हो उसको खा के, पूरा 1 लाख रुपए इनाम है इस पे। एक बार टाइम देखते हैं।
देख लो आप। भाई अभी तो 3:39 हुए, 4:10 पे खत्म करना है। यार इतने सारे अलग अलग तरह के ऑमलेट खाए हैं, लेकिन धमाका ऑमलेट मैंने पहली बार खाया था। उसका नाम है ना धमाका, वैसी इसकी रेसिपी थी धमाकेदार। सब दिखने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है, देख सकते हो यार पूरा का पूरा ओवरलोडेड है, भरा पड़ा है। 1,00,000 रुपए का इनाम है इसके ऊपर, तो उसको आधे घंटे में खाना है। तो आज मैं लखपति बनने का सोच के आई हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करके आई हूँ, डिनर नहीं करा कल से, सिर्फ इसलिए कि आज ये मेरे को जीत के जाना है चैलेंज। तो देख सकते हो यार पूरा भरा पड़ा है, ओवरलोडेड है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी यार कबाब है इसके अंदर, ऑमलेट है, ऊपर देख सकते हो वैरायटी कितनी सारी है, बहुत सारी चीजें डली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे दो तरह की चटनी मिली है, मिंट चटनी है और यहाँ पे टमाटर की चटनी है, और ये हमारा केचप साथ में मुझे मिला है सैलेड। तो ये रहा हमारा ऑमलेट, इसमें मैं थोड़ी सी चटनी लगाऊंगी और बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। सो यार मैंने इतना टेस्टी ऑमलेट आज तक नहीं खाया, कत्ते संडो का ऑमलेट है, इतने बड़े क्वांटिटी में बनाया, लेकिन फिर भी यार टेस्ट मजेदार है, कहीं से भी कच्चा नहीं है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। जिसको भी लगता है कि कच्चा है उसको यहाँ पे आके इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ज्यादा मजेदार टेस्ट है इसका। और जल्दी से इसको फिनिश करके बताती हूँ कि मैं इसे फिनिश कर पाई या नहीं कर पाई। गाइस ये टेस्टी इतना है ना कि मैं आज ये पूरा चैलेंज खत्म करने वाली हूँ। गाइस मैंने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, बहुत सारा मैंने खा लिया। सो देख सकते हो यार इतना पोर्शन और इतना पोर्शन मैं खत्म कर पाई हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। सो यहाँ पे मैं 1,00,000 रुपए नहीं जीत पाई हूँ, लेकिन अगर आपको भी इतना टेस्टी 31 अंडों का ऑमलेट खाना है और 1,00,000 रुपए जीतने हैं ना, तो यहाँ पे आके ये ऑमलेट जरूर ट्राई करें। सो मैं यहाँ पे जो अपना ऑमलेट है वो एंजॉय करती हूँ अपनी टीम के साथ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ खाना तो मेरी तरह खाते रहिए।